नमस्कार साथियों, स्वागत है पुनः आपके अपने YouTube चैनल साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में शब्द रचना का पूरा कंप्लीट सिलेबस किया और आज हम उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेके आए हैं, तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस को। बच्चों पहला आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, निम्न में से भिखारी शब्द कौन सा है? बच्चों भिखारी शब्द बताना है आपको कि इनमें से भिखारी शब्द कौन सा रहेगा। बच्चों भिखारी शब्दों में मैंने आपको बताया था कि जो प्रयोग के आधार पर परिवर्तन हो जाए, परिवर्तित हो जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों? भिखारी शब्द बोलते हैं। बच्चों क्या परंतु आपका यहाँ पे भिखारी शब्द है? बच्चों ये अभिखारी शब्द है। इसी प्रकार से बच्चों यथा, ये भी आपका अभिखारी शब्द रहेगा। जबकि आपका लड़का, बच्चों मैंने बताया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आपके विकारी शब्द होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लड़का इसका राइट आंसर रहेगा, कि लड़का आपका क्या होगा? विकारी शब्द है। चलिए बच्चे चलते हैं अगले वाले एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों प्रयोग के आधार पर पूछा गया है कि शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। बच्चों कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? विकारी और अविकारी शब्द। इसके बाद है बच्चों अगला प्रश्न हमारे पास, भिखारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों अभी मैंने बताया आपको भिखारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों भिखारी शब्द आपके चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण। चलिए बच्चों चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। सार्थक शब्दों के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद हैं? बच्चों सार्थक शब्दों के बताने हैं आपको। तो बच्चे सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? चार। बच्चों बताया था रचना के आधार पर, जन्म या फिर उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, बच्चे चौथा है इसका प्रयोग के आधार पर। तो बच्चों प्रयोग के आधार पर ये हमने चार भेद इसके सार्थक शब्दों के पढ़े थे। तो बच्चों कितने भेद होंगे? चार भेद होंगे। चलिए बच्चों चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अभिकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों अभिकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों अभिकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों चार प्रकार के होते हैं। बच्चों इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों? बी इज द राइट आंसर रहेगा। बच्चों चलिए चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। पुस्तकालय शब्द है बच्चों, पुस्तकालय शब्द बताना है आपको कि कौन सा शब्द है। बच्चों यहाँ पे देखिए, क्या ये रूढ़ शब्द है आपका? बच्चों रूढ़ शब्द नहीं है। रूढ़ शब्दों में मैंने बताया था जिनका कभी भी विभाजन नहीं होगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? रूढ़ शब्द। योग रूढ़ है बच्चों? नहीं बच्चों, योग रूढ़ में मैंने बोला कि जिनका कोई तीसरा अर्थ ग्रहण करे। तो बच्चों क्या पुस्तकालय कोई तीसरा अर्थ ग्रहण करता है? तो आंसर आता है बिल्कुल भी नहीं, ये तीसरा अर्थ ग्रहण नहीं करता है बच्चों। ये है आपका यौगिक शब्द है। यौगिक शब्दों में मैंने बोला बच्चों कि जिनका विभाजन हो जाए, तो बच्चों क्या विभाजन होगा? पुस्तक, धन, आल्य। जब इनको जोड़ेंगे तो बच्चों क्या बनेगा? पुस्तकालय। तो बच्चों पुस्तकालय क्या होगा आपका? यौगिक शब्द होगा। बच्चों चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाए जाते हैं? बच्चों जिनका सार्थक खंड यानी कि जिनका सार्थक विभाजन हो जाए अर्थों में, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? यौगिक बोलते हैं। रूढ़ शब्दों का विभाजन नहीं, योग रूढ़ में कोई तीसरा अर्थ होता है बच्चों, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर यौगिक शब्द होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कुछ इसमें बताना है आपको कि क्रिया विशेषण कहाँ पे प्रयोग में प्रयोग हुआ है। बच्चों क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में मैंने बच्चों थोड़ा सा डेफिनेशन बताना चाहूंगा यहाँ पे। क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए, जो बच्चों क्रिया की विशेषता बताएगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? क्रिया विशेषण। बच्चों पहला है वह धीरे से बोलता है। बच्चों कैसे बोलता है वो? धीरे से। तो बच्चों बोलना यहाँ पे क्या है? क्रिया है। कैसे बोल रहा है बच्चों? धीरे से। बच्चों धीरे से आपका यहाँ पे क्या है? क्रिया विशेषण है। तो इस वाक्य में बच्चों क्रिया विशेषण प्रयोग में हुआ है। इसी प्रकार से बच्चों अगला वाला देख लेते हैं कि वह काला कुत्ता है। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि काला है, कुत्ता है, यानी कि काला सिर्फ विशेषता बताई जा रही है बच्चों, क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही है, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, काला है वो। धावक, धावक कैसे दौड़ता है बच्चों? तेज दौड़ता है, ये विशेषण है आपका, ये संज्ञा है आपका धावक, क्रिया नहीं है बच्चों। इसी प्रकार से सत्यवाणी सुंदर होती है, सुंदर आपका विशेषण आ गया बच्चों, यहाँ पर भी आपका क्रिया विशेषण नहीं आया। क्रिया विशेषण में हमें किसकी विशेषता देखनी है बच्चों? क्रिया की, जो क्रिया हो रही होगी उसकी कोई विशेषता बता रहा होगा उसे हम क्रिया
विशेषण बोलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। बच्चों अगला प्रश्न है, इनमें से भिखारी शब्द कौन सा है? बच्चों भिखारी शब्द बताना है। बच्चों हाथी क्या भिखारी शब्द है? यहाँ, इधर, उधर, क्या ये वाले आपके भिखारी शब्द है? बच्चों आंसर आएगा नहीं, ये वाले नहीं आपके भिखारी शब्द। बच्चों भिखारी शब्द बोला है मैंने आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। तो बच्चों हाथी आपका क्या है? संज्ञा है, जबकि ये वाले आपके अवयव है, यानी कि अभिकारी शब्द है। इसका सही आंसर बच्चों ए रहेगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। बच्चों अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से बच्चों अगला प्रश्न है हमारे पास, श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटका रहा है? इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? बच्चों यहाँ पे बताना है, इस वाक्य में जो बाहर हमने प्रयोग में लाया है वो क्या है? क्या बच्चों वो संज्ञा है, क्या वो विशेषण है, क्या वो अवयव है, क्या वो क्रिया विशेषण है? बच्चों जरा यहाँ पे देखो, क्या ये संज्ञा बाहर, क्या बच्चों ये संज्ञा लग रही है आपको, या किसी का नाम लग रहा है? बच्चों आंसर आएगा बिल्कुल भी नहीं, ये ना तो आपकी संज्ञा है ना ही आपकी विशेषण है। बच्चों ये अवयव, बच्चों अवयव नहीं बोलेंगे, बच्चों अवयव के पार्ट्स में देखेंगे क्या है ये अवयव, तो बच्चों अवयव भी नहीं रहेगा। बच्चों देखो विशेषता बताई जा रही है क्या? देखो बच्चों यहाँ पे क्या है बच्चों, क्रिया क्या है बच्चों? देखो, ये क्या है बच्चों? क्रिया। बच्चों कहाँ देखो? बाहर देखो, अंदर देखो, तो आंसर आएगा आपका बच्चों बाहर। तो ये आपकी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कहाँ देखना है, बाहर देखना है। बच्चों बाहर देखो, तो ये आपका क्या है? क्रिया विशेषण है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? बच्चों यौगिक शब्द बताना है। बच्चों यौगिक शब्दों में पीछे हमने किया, उसमें मैंने बताया जिनका सार्थक खंड हो जाए उन्हें हम यौगिक शब्द बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या घर आपका यौगिक शब्द होगा? नहीं है। नाक आपका नहीं होगा, माली भी नहीं है। बच्चों इसका राइट आंसर है रसोई घर, रसोई धन घर। बच्चों इस जुड़ जाएगा आपका, तो रसोई घर हो जाएगा, यौगिक शब्द होगा। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है हमारे पास, वाह वाह ऐसे ही खेलते रहो, इस वाक्य में वाह वाह क्या है? बच्चों ये बताना है आपको, वाह वाह क्या है? तो बच्चों पहली बात तो ये कि ये आपके क्या है? अभिकारी शब्द है, जो प्रयोग के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे एक चिन्ह लगाया गया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो बच्चों जहां पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है वही हमारे कौन से हो जाते हैं शब्द? विस्मयादि बोधक अभिकारी शब्द हो जाते हैं। बच्चों कौन से शब्द हो जाते हैं? विस्मयादि बोधक अभिकारी शब्द हो जाते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है हमारे पास, नल बूंद बूंद टपक रहा है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? बच्चों ये बताना है आपको, बूंद बूंद क्या है? तो बच्चों टपकना ये आपकी क्रिया है बच्चों, क्रिया है, टपकना क्रिया है। तो क्रिया यानी कि कैसे टपक रहा है बच्चों? वो बूंद बूंद टपक रहा है, क्या वो तेजी से टपक रहा है? इस प्रकार से ये आपकी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे टपक रहा है बच्चों, बूंद बूंद। तो बच्चों बूंद यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? क्रिया विशेषण हो जाएगा इसका राइट आंसर। बच्चों अगला प्रश्न हमारे समक्ष है, निम्न वाक्यों में से सही समुच्चय बोधक अवयव प्रयुक्त वाक्य है? बताना है आपको बच्चों की समुच्चय बोधक वाक्य कहाँ पे प्रयोग में लाया गया है। तो बच्चों सबसे पहले देखो, कृष्ण और सुदामा पक्के मित्र थे। दूसरा है आपका बच्चों, कृष्ण या बच्चों ये या रहेगा, कृष्ण या सुदामा पक्के मित्र थे, कृष्ण अथवा सुदामा पक्के मित्र थे, कृष्ण परंतु सुदामा पक्के मित्र थे। बच्चों समुच्चय बोधक की पहले परिभाषा बताना चाहूंगा फिर से आपको। तो समुच्चय बोधक में बच्चों याद रखना कि जहां पे दो शब्दों को जोड़ा जाए या फिर दो वाक्यों को जोड़ा जाए वही हमारे क्या होते हैं? समुच्चय बोधक होते हैं। बच्चों यहाँ पे देखो, या बच्चों ये आपका चॉइस के लिए आता है, विकल्प के लिए आता है, या तो कृष्ण या तो आपका सुदामा, ये दो शब्दों को जोड़ने का काम नहीं करता है। इसी प्रकार से अथवा, ये भी आपको शब्दों को जोड़ने का काम नहीं करता है, ये आपका वैकल्पिक है यानी कि विकल्प बताने का काम करता है। जिस प्रकार से हम चॉइस देखते हैं, या तो ये चाहिए या तो मुझे वो वाली चीज चाहिए, जबकि यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, कृष्ण और सुदामा पक्के मित्र थे। यहाँ पे ये वाला आपका क्या रहेगा बच्चों? समुच्चय बोधक अवयव यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, अभिकारी शब्द यहाँ पे प्रयोग हुआ है, कौन सा है वो? और। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है हमारे पास, अभिकारी शब्द होता है, बच्चों इनमें से बताना है मुझे अभिकारी शब्द कौन सा है? बच्चों बताइए जरा कौन सा है? क्या बच्चों संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है? बिल्कुल भी नहीं बच्चों, ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ये आपके क्या है? भिखारी शब्द है। बच्चों कौन सा है ये वाले आपके? भिखारी शब्द है। बच्चों अवयव,
बच्चे मैंने आपको बताया था कि अविकारी शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, अव्यय बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। और अव्ययों के भी कितने भेद हैं बच्चों, चार हैं, ध्यान रखिएगा। तो अविकारी शब्द ही क्या है आपके, अव्यय है। तो बच्चे इसी के साथ हम मिलते हैं आपको अगले अपने टॉपिक वाक्य रचना में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।